तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप थ्री बेस्ट न्यूली लॉन्च रियलमी 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर 67 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलने वाले, उसके साथ साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने वाला है और भी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाएगा सिर्फ 15,000 के अंदर। दोस्तों आप अगर 15,000 के अंदर रियलमी की बेस्ट 5G को ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को फुल देखना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की सबसे पहले डिवाइस के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है Realme की तरफ से, Realme 11X 5G। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाले है काफी प्यारा सा लुक। रियर पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा जो काफी अच्छा आपको लुक प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा और प्लास्टिक बैक मिलेगा। जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी यूनिक है इसकी। वो मैं बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जब आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे आपको 680 nit पीक ब्राइटनेस के सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें कैमरा की क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा आपको वीडियो और फोटो क्वालिटी निकल के दे देता है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट और 6 nm बेस है। और दोस्तों ये एक न्यूली चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छी है। वही पे बात करें रैम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरियंट 6GB रैम 128GB रैम मिलेगा, वही पे और एक वेरियंट पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आप 1-50% चार्ज सिर्फ 29 मिनट पे कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के सपोर्ट भी दिया गया है। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI 4.0 पे। तो दोस्तों ये तो गाइस इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 14,999 है, और दोस्तों जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,999 है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, और फ्लिपकार्ट पे इसकी बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रिव्यू भी आया है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे बाय किया और रेटिंग दिया है, तो आप समझ सकते हो ये मोबाइल काफी पॉपुलर हुआ है इंडियन मार्केट पे। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है Realme की तरफ से आने वाला Narzo सीरीज का Realme Narzo 65G, जो काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो एक एक करके क्या कुछ मिलने वाला है जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो बैक पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा और बैक आपको प्लास्टिक और लेदर फिनिश दोनों पे ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं पे जो फ्रेम वो प्लास्टिक का होने वाला है। डिवाइस की वेट होगा ओनली 182 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का होने वाला है। वहीं पे बात करें जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.63 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस मोबाइल पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है विद 90Hz रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी होने वाला है, जहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाला है। वहीं पे बात किया जाए कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट है, जहाँ पे इंडिया के अवेलेबल सभी 5G बैंड मिल जाएगा।
तो 5G कनेक्टिविटी काफी अच्छा इस डिवाइस पे होने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा। बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा, उसके साथ साथ 8GB रैम 256GB रोम और एक वेरिएंट पे मिलेगा। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विथ 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 50% चार्ज ऑनली 29 मिनट में होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मोबाइल है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है, उसके साथ साथ 3.5mm जैक भी मिलने वाला है। वहीं पे यहाँ पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI 4.0 पे रन होगा। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 11,500 है और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट की बात इसकी प्राइस 15,000 के आसपास आ जाता है। वही मैं बात करें 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट की, तो उसकी प्राइस 19,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी चूज कर सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme 11 5G, जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको बैक पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है 190 ग्राम, जो काफी हल्का है। तो लुक एंड डिजाइन Realme 11 सीरीज की सभी डिवाइस की सेम ही रहता है, सिर्फ कलर में थोड़ी बहुत चेंजेस आता है। तो दोस्तों बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसकी मदद से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे आप काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट। ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम और रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम और 256GB रोम और एक दूसरे वेरिएंट पे मिलने वाला है। और दोस्तों मुझे सबसे अच्छी लगी इस डिवाइस के, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 67W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 67W की चार्जिंग मिलने वाला है, जिसके मदद से आप 0-50% चार्ज सिर्फ 17 मिनट पे कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। वही पे इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस रन होने वाले रियलमी UI 4.0 और एंड्रॉइड 13 पे। इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस 15-16,000 के अंदर रहते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर पाते हो, तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप इसे जरूर ले सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरे वेरिएंट की 8GB प्लस 256GB, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 19,999 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बहुत अच्छे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।